कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्रीय बजट को किसान विरोधी, कर्मचारी व्यापारी विरोधी बताया और कहा कि इस बजट में केवल देश के चंद बड़े घरानों को ही लाभ पहुंचाया गया है। केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकारों को पूरी तरह से किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि बरसात के कारण खराब हुई किसानों की फसलों की अभी तक विशेष गिरदावरी न करवाकर किसानों की खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की घोषणा न करना इसका प्रमाण है। कुमारी शैलजा ने बेमौसमी वर्षा से खराब हुई किसानों की फसलों पर दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की कि बेमौसमी वर्षा से खराब हुई किसानों की फसलों की तुरंत विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों की फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकारें किसानों की मांगों को पूरा करने के बजाय उनको समय पर बीज व खाद भी उपलब्ध नहीं करवाकर किसानों को परेशान कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा युवा कांग्रेस नेता कंवरदीप सैनी की बहन एवं रवि कुमार सैनी की पत्नी बीना सैनी के निधन पर आज बबैण में उनके निवास पर शोक व्यक्त करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। कुमारी शैलजा ने परिवार के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बधाया। उन्होंने कहा कि बीना सैनी का इस छोटी सी उम्र में इस दुनिया से चले जाना बहुत ही दुखद है, फिर भी हमें इसे परमात्मा की इच्छा मानते हुए स्वीकार करना पड़ेगा। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता कंवरदीप सैनी, पूर्व जिला प्रधान पवन गर्ग बिमला सरोहा, पूर्व ब्लॉक प्रधान जयपाल पंचाल, सतबीर यारा, रामपाल सैनी, सुरेश यूनिसपुर, रामधारी डुड्डा, प्रदीप कलतगड़िया, विनोद गर्ग, चरण सिंह कसीथल, संजू लोंगिया, जसबीर जैनपुर, रवि गुड्डा, राजबीर गुड्डी, जसबीर कसीथल के अलावा अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। कुमारी शैलजा ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिनमें उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। बारे में सारे देश ने देखा कि आम नागरिक, गरीब आदमी, ग्रामीण अंचल के लोग, किसान, किसी को कुछ नहीं मिला। जो उम्मीदें थी उन सब पर पानी फिरा। फायदा मिला तो केवल बड़े बड़े घरानों, जैसा कि राहुल जी ने भी इनकी सारी बातों का पर्दाफाश किया, असलियत इनके सामने रखी, लेकिन इनमें सच्चाई सुनने की शक्ति नहीं है। जो भी कहा जाता है देश हित में कहा जाता है, विपक्ष का एक अपना रोल होता है, लेकिन ये सरकार किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं है। और अगर विपक्ष की और लोगों की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये बजट में मायने नज़र आता है। 5 स्टेट्स में है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब हमारे पास में है। यूपी में स्थिति भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है, कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। उत्तराखंड और पंजाब में मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये कहानी आज की नहीं है, नई नहीं है, हर बार यही होता है। फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसान इंतज़ार करते रहते हैं। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर्स अगर कोई ज़्यादा शोर मचाए तो आखिर करते हैं, और उसके बाद मुआवजा कब किसको मिलता है ये तो सब जानते हैं, कभी कुछ मिलता नहीं। किसान अपने हकों के लिए हमेशा सड़क पर आने को मजबूर हो जाते हैं। ना केवल ये, और भी जो पुरानी मांगें भी हैं उनको भी पूरा करने में ये सरकार असमर्थ है। यूरिया की जो किल्लत हो रही है, खाद की, किसानों को लाइन में खड़ा कर दिया है। ऊपर से मौसम का ये हाल है। किसान की जो पहले इन्होंने वायदा किया था MSP की कमेटी बनाने का, जब ये कानून वापस लिए, वो भी पूरा नहीं हुआ। किसान को तो चारों ओर से सरकार ने मार ही दी है। आमदनी दुगनी करने का वायदा था, लेकिन वो कहीं आसपास नज़र नहीं आ रहा।